बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो भी लोग बनाने वाले हैं सो इस टॉपिक पे है कि आज 14 अगस्त है ना, वो हमने मनाई है। सो इसलिए हमने जो भी बनाया है वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। अभी हमने पानी उबालना है बड़ी सी देगची में। अब उसमें हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें सारे चावल डालेंगे और फिर उसमें नमक डालेंगे। सारे चावल हमने डाल दिए हैं। अब हम 2 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहे डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 नींबू डालेंगे स्लाइस काट के। अब हम इसको ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें घी डालेंगे 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर चला कर फिर छोड़ देंगे पकने के लिए। 70% पकाएंगे। फिर हम तेल गरम करेंगे। ये हमारा सरसों का तेल था सो इसलिए हमने इसे थोड़ा जलाया सो इसका कलर ऐसा हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 4 अदद प्याज है इस तरह से हमने काटे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। जब तक पक जाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब 1 चम्मच हम नमक डालेंगे इसमें। अब हम इसमें सूखा लहसुन 4 अदरक डालेंगे इस तरह से काट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर पकाएंगे। हमारा प्याज अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे इस तरह से छील के काट के। 3 अदद टमाटर हैं और ये हरी मिर्चें हैं सीधी काट के। अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसे पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची है, 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच कोरमा मसाला है और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर का पानी सूख जाए। अब हम इसमें सूख गया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। 1 किलो चिकन लिया था हमने। ऐसे अच्छी तरह से भूनेंगे हम। आप देख सकते हैं कैसे हम भून रहे हैं इसे। अब हम इसमें बॉयल किए हुए आलू डालेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना है कैसी लगी हमारी बिरयानी और आज का व्लॉग कैसा लगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। आलू बॉयल करके हमने इसलिए डाले थे क्योंकि आलू देर से बॉयल होते हैं, पकते हैं, चिकन जल्दी पक जाता है इसलिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/2 ग्लास डालेंगे और इसे मिक्स करके ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। अब हमारा चिकन अच्छे से
गल गया है, अच्छे से तैयार हो गया है, तेल अलग हो गया है, अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और प्यारी लग रही है। इसे नान के साथ भी हम खा सकते हैं और हम चावलों के साथ बिना मिलाकर बिरयानी बना सकते हैं। अब हम इसमें देगची में पहले सालन डालेंगे, एक तह हम सालन डालेंगे और उसके बाद हम एक तह चावल डालेंगे। सालन हमने डाल दिया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल का तह हमने लगा दिया है, अब हम इसमें सालन डालेंगे। सालन हम डाल रहे हैं, एक तह सालन डालेंगे उसके बाद फिर हम इसके ऊपर चावल डालेंगे। अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे, सालन हमने डाल दिया है अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अब चावल डालेंगे इसके ऊपर, पूरा तेल लगा देंगे। हमने पूरा तेल लगा दिया है, अब हम इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। हमने ऑरेंज लिया था, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि रंगीन चावल बनेंगे, कुछ सफ़ेद बनेंगे, कुछ रंगीन बनेंगे, कुछ मज़ेदार बनेंगे, कुछ चटपटे बनेंगे, कुछ अच्छे बनेंगे, कुछ कड़वे बनेंगे, कुछ फीके बनेंगे, सारे मिक्स में बनेंगे। अब हम इसे छोड़ देंगे, अब हम निकालेंगे, प्लेट में हमने निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल और अच्छी लग रही है बिरयानी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और प्यारी लग रही है, कलरफुल लग रही है। और आप ख़ुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और मेहमानों के लिए भी बनाइए। रेस्टोरेंट तरीके से बनिए, आप ये बनाएंगे तो रेस्टोरेंट से लेना भी भूल जाएंगे। इतनी अच्छी और प्यारी लगती है, खाने में भी लजीज लगती है। अब हम आपको खा के दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी और चटपटी और लजीज बनी है। अच्छे से आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल और अच्छी लग रही है। मुझे तो मज़ा आ गया। अब आगे स्टेप हम बताते हैं आपको क्या करना है। आज हमने लिया था 14 अगस्त सेलिब्रेशन करने के लिए, जो हम आपको दिखाते हैं, निम्को लिया था हमने, वो ये रहा, आप देख सकते हैं। ये हमने बाज़ार से लिया हुआ है, घर पे नहीं बनाया। और हमने केक भी लिया हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। ये हमने सेलिब्रेशन करने के लिए मंगवाए हैं। आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया है। अब हमने देगची में तेल गरम करके इसमें चिकन डाल दिया है, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे हम, फिर इसे पकाएंगे। अच्छे से हम पकाएंगे। इसमें हरी लहसुन डाली है हमने 2 चम्मच। अब हम इसे पका रहे हैं, आप देख सकते हैं। चिकन कढ़ाई भी अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है, आप भी पकाइए। अब हम मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कोरमा मसाला डाला है हमने। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, 3 अदद टमाटर हमने डाले हैं छिलके, आप भी छिलके डालना, क्योंकि छिलके इसके अच्छे नहीं। अब हमने हरी मिर्चें काट के डाली है, आप अपने हिसाब से डाल देना।
अब टमाटर गल गया, अब हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसमें धनिया डालेंगे काट के। अब हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी प्यारी चटपटी लग रही है। आप खुद भी बनाइए और अपनों को भी खिलाइए, और दुआ में हमें याद रखिए। और चैनल पर नया हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने, अभी सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।